सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सबसे पहले तो देसी कलाकार के ब्लॉकबस्टर सॉन्ग लव डोज ने पूरे 10 साल कंप्लीट कर लिए है, नॉस्टैल्जिया वाला सीन हो गया है। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि बहुत ही ज्यादा खराब है। ये तो आपको पता ही है कि पिछले कुछ सालों से हनी पाजी फ्लाइंग बीस्ट के साथ कितना दिखे हैं, उनकी फैमिली के साथ, उनकी छोटी बच्ची के साथ वो खेलते थे, एकदम फैमिली वाला सीन था। लेकिन अभी अभी फ्लाइंग बीस्ट और उनकी वाइफ का कुछ लफड़ा वगैरह हुआ है, मैं उस चीज में नहीं घुसूंगा, वो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन इसको लेके मीडिया में एक न्यूज बहुत फैल रही है जिसका ना ही कोई सर है ना ही कोई पैर। कुछ मीडिया वाले बोल रहे हैं कि इन दोनों के लड़ाई का रीजन हनी सिंह पाजी है, जबकि गौरव तनेजा या फिर उनकी वाइफ ने अभी तक कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया है। साथ ही ऋतु को हनी सिंह के साथ गौरव की दोस्ती ठीक नहीं लगती थी और वो अपनी छोटी बेटियों को उस आदमी के साथ नहीं चाहती थी। हालांकि गौरव इस बात पर पूरी तरह से असहमत था, उनके बीच झगड़ा हुआ और ये झगड़ा बहुत बड़ा हुआ। कुछ भी क्या बोलूं मैं इस पे। अगर आप इंस्टाग्राम चेक करोगे तो रितु राठी और गौरव तनेजा अभी भी हनी पाजी को फॉलो करते हैं। मतलब मीडिया में जो न्यूज फैलाई जा रही है वो एकदम फेक है। जब तक कोई भी इंटरव्यू में आके कुछ भी नहीं बोलता, आप ऐसी फेक न्यूज से सावधान रहो। खैर इसके अलावा अभी अभी इंदी बख्शी भाई का एक और इंटरव्यू आ चुका है जिसमें उन्होंने फिर से जियान भाई को पेला है। वो सब तो आपने बहुत बारी सुन लिया, लेकिन इस इंटरव्यू में उन्होंने ब्राउन रंग को लेके बहुत ही बड़ी चीज बोली है, आप लोग खुद सुन लो। आपने तो गाने के लिए किया बात, वो आपका इंटरव्यू शेयर कर रहे हैं पूरा पूरा। पता क्यों, मैं आपको एक चीज बताऊंगा ना, द हनी सिंह है, लेजेंड है दी हनी सिंह। जो ये सैटरडे वाली बात है ना, मेरे पास तो कोई है नहीं चीजें प्रूव करने के लिए, ये तो बाय चांस बाबा जी हैं। शुक्र है मेरी सैटरडे में आवाज नहीं चेंज कर दी उन्होंने, नहीं तो उन्होंने बोला होता कि ये भी प्रमोद ने गाया है वो में। तो हनी पाजी को चीज पता है सैटरडे कैसे हुआ क्या हुआ, तो जितनी उनको सच्चाई पता है उन्होंने उतनी ही बात को शेयर किया। अब ब्राउन रंग वाला क्या सीन है, बात बताऊ ब्राउन रंग ठोक के बताऊ वो हनी पाजी का, जो एक देसी वर्जन जो ब्राउन रंग है भी नहीं, मैंने सुना हुआ है और सच बताऊ तो मेरे पास पड़ा भी है, बट वो वहां तक चीज ही नहीं। इतनी सी भी अगर लाइन और कॉम्पोजिशन सेम हो और कोई वो बोल दे गाना हिट हो सकता होता, पता है कि आप जब हुड में बैठे हो ना, आप हमने एक लाइन लिख ली, टॉपिक लिख लिया, उसके बाद आप अपना वर्जन बना रहे हो, मैं अपना बना रहा हूँ, तो आई हैव हर्ड ब्राउन रंग है ही नहीं ब्रो, वो एक ऐसा अजीब सा रंग है कि वो डिस्क्राइब भी नहीं हो सकता कौन सा रंग है। तो प्रॉपर हनी पाजी का है, R&B म्यूजिक, क्या क्लास क्या स्वैग लेके आए। सामने अगर रख दे मैं सामने से सुना भी सकता हूँ कि यार ये वाला देसी वर्जन था जो उसका था, एक लाइन सेम नहीं। मैं इसलिए नहीं गा रहा नहीं बना रहा, हो सकता हूँ भाई ने लिरिक्स यूज करने हो कहीं और मेरे पे केस चल जाए, तो इसलिए उन्हीं की चीज से सुनाना नहीं चाहता, मैं नाम बताना चाहता हूँ, बट उनको भी पता हूँ देसी वर्जन है, कई लोगों ने सुना भी होगा। जियान ने पिछले 10 साल में बहुत सारी फेक न्यूज फैलाई है, लेकिन अब इसकी सारी पोल धीरे धीरे खुल रही है। खैर अभी के लिए बस इतना ही, यहाँ तक आए हो तो लाइक का बटन दबा के जाना, बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।